सो गाइज, अगर आप भी बिना काम छोड़े अपना पीएफ का पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं तो आज के वीडियो से आपके लिए काफ़ी हेल्प मिलेगा, क्योंकि आज हम स्टेप बाय स्टेप करके इसका प्रोसेस बताने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद में आपके लिए वेरी इजी हो जाता है, और कुछ पॉइंट का कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए। अगर आपने कुछ मिस्टेक करते हैं तो बाद में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है या फिर बहुत कम अमाउंट मिल सकता है आपको। सो एकदम से ध्यान से देख के आपको इसका प्रोसेस करना है। अगर आप थोड़ा सा भी मिस्टेक कर देते तो बाद में आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। सो कुछ पॉइंट का क्या पॉइंट का ध्यान देना है आपको, इस वीडियो में हम सब कुछ कवर करके बताएंगे। सो वीडियो पे बने रहिएगा। सो गाइज, बिना काम छोड़े अपना पीएफ का जो भी बैलेंस है उसको निकालने के लिए आपको जस्ट आपको एडवांस पीएफ निकाल सकता है। अगर आपने अभी जॉब कर रहे काम कर रहे हो और आपने जॉब नहीं छोड़ा है, डेट ऑफ एग्जिट आपका नहीं है, तो जस्ट आप एडवांस पीएफ के ऑप्शन से निकाल सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने काम छोड़ दिया है या फिर आपका 3-4 महीना से पीएफ में पैसा जमा नहीं हो रहा है तो आपका डेट ऑफ एग्जिट करके शो होता है। अगर आपका ऐसा 3-4 महीना से आपके इसमें पीएफ अकाउंट में पैसा ऐड नहीं हुआ तो आप पूरा का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। नहीं तो आपने अभी करंट कंपनी में जिस कंपनी में काम कर रहा है तो अगर उसमें आपने डेट ऑफ एग्जिट नहीं हुआ है तो जस्ट आपको एडवांस पीएफ निकालने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। और एक चीज़ का याद रहे कि अगर आपने 3-4 कंपनी में काम किया है या फिर 4 कॉन्ट्रैक्ट के पास में काम किया है तो जिससे आपका 3-4 मेंबर आईडी बन जाता है। अगर आप पीएफ एडवांस निकालना चाहते हैं तो पहले आपको जो पुराना कंपनी है, पुराना मेंबर आईडी है, उसमें से न्यू मेंबर आईडी में पुराना मेंबर आईडी का पैसा ट्रांसफ़र करना है, जिससे आपके लिए क्या होगा कि मैक्सिमम अमाउंट मिल सकता है। नहीं तो फिर आपने पुराना मेंबर आईडी का पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया है तो जस्ट अभी जो प्रेजेंट कंपनी में जिसमें काम कर रहा है सिर्फ उसी का पैसा निकल जाता है। उसके बाद ये प्रोसेस करना है। सो उसके बाद में आपको जस्ट यहाँ पे ये ईपीएफओ का ये पोर्टल पर लॉगिन करके इस पेज में आना है आपको। उसके बाद में आपको यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में ऑनलाइन सर्विस का ऑप्शन है यहाँ पे, तो उस पर क्लिक करना है आपको। जस्ट यहाँ पे ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद 1910C इस पर क्लिक करना है क्लेम फॉर्म पर। इतना करने के बाद में आपके पास एक ऐसा पेज ओपन हो जाता है जिसमें आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर ये शो होता है। सो यहाँ पे आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट वेरीफाई करना है, जिसके लिए आपको यहाँ पे इंटर बैंक अकाउंट करके लिखा है, इस पर क्लिक करना है। याद रहे कि जो बैंक आपने पी एफ में ऐड किया है उसी बैंक अकाउंट को यहाँ पर फिल करना है। तो चलिए अभी हम यहाँ पर बैंक अकाउंट फिल कर देते हैं। बैंक अकाउंट फिल करने के बाद में वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। तो उसके बाद में यहाँ पे आपको एग्री करने के लिए बोला है, जो आप बैंक अकाउंट दिया है इसी में आपका पैसा लेना चाहता है तो यस कर देंगे। सो इतना करने के बाद में आपके यहाँ पे ग्रीन टिक हो जाता है, मतलब कि आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई हो गया है। सो उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिया गया है, हमारे केस में यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट नहीं है क्योंकि अभी इस कंपनी में ये काम कर रहा है तो यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट नहीं आया है। जस्ट यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग करके आए, पहले पुराना मेंबर आईडी में जो भी बैलेंस था ये नया वाला में ट्रांसफ़र कर लिया है। सो उसके बाद में प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पेज ओपन होता है यहाँ पे। इतना करने के बाद में आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका यूएन नंबर, यहाँ पे नेम, कॉन्टैक्ट सब कुछ यहाँ पे शो होता है। सो उसके बाद में थोड़ा नीचे जाएंगे तो आई वांट टू अप्लाई फॉर, यहाँ पे हमको सेलेक्ट क्लेम ऑप्शन का ऑप्शन मिल जाता है, जस्ट इस पर क्लिक करना है। सो यहाँ पे हमारा डेट ऑफ एग्जिट नहीं था, इसके लिए पीएफ एडवांस का ऑप्शन मिल रहा है, फॉर्म 31 मिल रहा है। अगर आपका डेट ऑफ एग्जिट है तो दूसरा ऑप्शन मिल जाता है। सो यहाँ पे फॉर्म 31 सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन ओपन हो जाता है नीचे की ओर, और उसके बाद में आपको यहाँ पे पीएफ एडवांस सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे सेलेक्ट सर्विस का ऑप्शन आ जाता है।
सो यहाँ पे आपका आपने जितना भी कंपनी में काम किया है वो यहाँ पे आपके पास कितना मेमोरी आईडी पूरा सो होता है। तो याद रहे कि जो भी आपका नया वाला भी प्रेजेंट में काम कर रहा है वो सबसे लास्ट में सो होता है। सो जस्ट उस पर क्लिक करना है, या फिर आप कोई दूसरा से लेना चाहता है तो वो भी सेलेक्ट कर सकता है। बट हमने यहाँ पे पुराना वाला मेम्बर आईडी का जो भी बैलेंस था उसमें नया वाला में ट्रांसफ़र किया है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे न्यू वाला को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो उसके बाद में फिर आप ये जो पीएफ एडवांस क्यों लेना चाहते हैं, इसका रीज़न क्या है, वो यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। सो यहाँ पे एक चीज़ का याद रहेगा, अगर आपका 5 साल से ऊपर हो गया है पीएफ में तो आपका यहाँ पे इस तरह से बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपका 5 साल से कम है, 5 साल भी नहीं हुआ है, तो आपको 2-3 साल हो गया है 5 साल से कम है, तो यहाँ पे ऑप्शन कम मिल जाता है। सो अभी यहाँ पे हमारे केस में 5 साल से ऊपर हो गया है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस का सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इसमें मैक्सिमम अमाउंट मिलने का चांसेस रहता है। सो यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। तो उसके बाद में आपको कितना अमाउंट विड्रॉ करना चाहता है वो यहाँ पे फिल करना है आपको। सो हमारे केस में पहले आपको पासबुक में चेक करना है, तो हमारे यहाँ पे 89,649 है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल हमारा यहाँ पे 89,649 रुपीज़ है। अगर आपका 5 साल से ऊपर हो गया तो यहाँ पे जो टोटल बैलेंस है इसको फिल करना है, अगर आप 5 साल से कम है तो आपका यहाँ पे आपका एम्प्लॉइज का या फिर एम्प्लॉई शेयर का जो बैलेंस है उसको फिल करना है। तो यहाँ पे हमारे केस में 5 साल हो गया है, तो यहाँ हमने पूरा अमाउंट फिल कर देते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे एकदम करेक्ट है, पूरा अमाउंट फिल कर देते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद फिर यहाँ पे एड्रेस फिल करने का ऑप्शन आ जाता है, एम्प्लॉई एड्रेस जो आपका एड्रेस है, जो यहाँ पे याद रहेगा आधार कार्ड का जो एड्रेस है वही फिल करना है, नहीं तो आप यहाँ पे एस पर आधार करके लिख देंगे तो ऑटोमेटिक आधार कार्ड से ले लेता है ये। जैसे हम यहाँ पे एस पर आधार कर देंगे और स्टेट मैक्सिमम 64 करेक्टर का होना चाहिए, यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है आपका, जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद में सेलेक्ट स्टेट पर क्लिक करके आपका जो भी स्टेट है वो यहाँ पे चूज़ करना है। अपना चेकबुक या फिर पासबुक का एक कॉपी अपलोड करना है, यहाँ पे एक फाइल अपलोड करना है। यहाँ पे याद रहे कि आपका JPG फाइल होना चाहिए, उसमें आपको मिनिमम 100 KB और मैक्सिमम 500 KB के बीच में होना चाहिए। अगर आपका 100 से कम है तो भी यहाँ पे अपलोड नहीं होता है, और 500 से ज़्यादा है तो भी यहाँ पे अपलोड नहीं होता है। 100 KB से लेके 500 KB के अंडर में बीच में आपका फाइल होना चाहिए। तो यहाँ पे चूज फाइल पर क्लिक करेंगे तो आपको जो भी चेक बुक है पासबुक है उसको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद में यहाँ पे व्यू पर क्लिक करेंगे तो आपने जो अपलोड किया है वो शो होता है यहाँ पे। याद रहे कि आपका अगर आप इसको अपलोड करने के टाइम में आपका IFSC कोड, बैंक अकाउंट और नेम पूरा क्लियरली शो होना चाहिए वहाँ पे। उसको अपलोड करने के बाद में थोड़ा सा नीचे आना है, और यहाँ पे नीचे आने के बाद में यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे टिक करना है, बॉक्स पर टिक करना है आपको। उसके बाद में यहाँ पे गेट आधार OTP होता है, ये फाइनल स्टेप है, मतलब ये लास्ट स्टेप है। यहाँ पे गेट आधार OTP पर क्लिक करना है। इतना करने के बाद में आपके नंबर पर एक OTP आ जाता है, जो जिस नंबर पर OTP आएगा यहाँ पे लास्ट का 4 डिजिट शो कर रहा है, तो उसी नंबर पर आधार लिंक है तो उसी में OTP आ जाता है। और यहाँ पे इंटर OTP ऑप्शन पर आधार OTP है, इस पर जो आधार OTP आए उसको यहाँ पे फिलअप करना है। तो उसके बाद में वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर क्लिक करना है। तो देख सकते हैं ऑनलाइन क्लेम रिक्वेस्ट इज सबमिटिंग एट पोर्टल करके दिखा रहा है। सो गाइस इस तरह से इसको सबमिट कर सकते हैं, वेरी सिंपल सा प्रोसेस है, हमने आपको बताने के लिए कोशिश किया है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए बाद में, इसलिए हमने छोटी छोटी बात को कवर करके इस वीडियो में बताया है। सो यहाँ पे देख सकते हैं EKYC अपडेट एंड PF एडवांस क्लेम फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुल ऑन यूनिफाइड पोर्टल करके बता रहा है, यहाँ पे हमारा सक्सेसफुल हो गया। अगर आप देखना चाहते हैं तो क्लिक हियर टू व्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक फॉर्म खुल जाता है, उसको देख सकते हैं आप।
सो उसके बाद में बैक आना है यहाँ पे, फिर से आपको ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करना है। उसके बाद में ट्रैक क्लाइम स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो आपने अभी जो सबमिट किया है फॉर्म वो शो होता है यहाँ पे। सो यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे फॉर्म 31 फिल किया है, यहाँ पे 20 तारीख को हमने फिल किया है यहाँ पे। अभी यहाँ पे करेंट स्टेटस में यहाँ पे ऑनलाइन क्लेम सबमिटेड एट पोर्टल करके दिखा रहा है, यहाँ पे इस तरह से चेक कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी नेक्स्ट अपडेट होता है तो यहीं पे चेक कर सकते हैं आप, आपका प्रोसेस कितना आगे गया है, यहीं पे डिटेल शो होता है आपको, इसी में आके चेक करेंगे तो ये आपका हो जाता है। याद रहेगा यहाँ पे देख सकते हैं अभी हमने यहाँ पे 20 तारीख को इसको सबमिट किया है, तो हमारा इसमें 7 दिन के अंदर में हमारा बैंक में पैसा क्रेडिट हो गया है। सो यहाँ पे बीच में सैटरडे संडे भी आ गया था और 26 जनवरी भी आ गया था, तो हमारे केस में 20 तारीख से लेके 27 के बीच में 3 दिन हॉलीडे आ गया था, तभी भी हमारा यहाँ पे 7 डेज के अंदर में ये पीएफ बैलेंस हमारे बैंक में क्रेडिट हो गया है। सो अभी हम आपको वो भी बताएंगे, इसमें जब आपका फाइनल फाइनल सेटल होता है तो इस तरह से दिखेगा आपको। यहाँ पे क्लाइम स्टेटस चेक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्लाइम सेटल करके दिखा रहा है। अभी मैं हमारा पासबुक ओपन करके भी दिखाता हूँ मैं आप लोग को, आपका प्रोसेस चेक करने के लिए पासबुक ओपन करने के बाद में व्यू क्लाइम स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो इस पर तो यहाँ पे पूरा शो होता है आपको, कितना तारीख को आपने सबमिट किया था, कितना दिन लगा देख सकते हैं। हमने यहाँ पे 20 को सबमिट किया था, 21 को यहाँ पे रिसीव हो गया था, देख सकते हैं हम यहाँ पे फॉर्म 31 है यहाँ पे पारा डिटेल्स में कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, यहाँ पे हमारा हमने 89,000 कुछ अप्लाई किया था तो हमारे लिए यहाँ पे 85,900 रुपीज़ का अप्रूवल हो गया है। सो देख सकते हैं इस तरह से मैक्सिमम अमाउंट मिल गया हमारे लिए। यहाँ पे डिस्पैच डेट हो गया 27 जनवरी 2022 देख सकते हैं, तो हमने 21 को फॉर्म सबमिट किया था तो 27 को हमारा यहाँ पे पूरा सेटल हो गया है। अगर आपका अभी अप्रूवल मिल जाता है तो इस तरह से यहाँ पे क्लेम स्टेटस सेटल करके दिखेगा यहाँ पे। सो हमारे केस में 2-3 दिन बीच में छुट्टी हो गया था तो फिर भी 1 वीक में हो गया, अगर बीच में छुट्टी नहीं आता है तो थोड़ा जल्दी भी हो सकता है। सो इसका प्रोसेस यही है, यहाँ पे देख सकते हैं रिमार्क में यहाँ पे नीचे उतर आएगी योर क्लेम हैज़ बीन सेटल, पेमेंट सेंड बिया NEFT के थ्रू से हमारे बैंक अकाउंट में 27 को भेज दिया गया है। इस तरह से चेक करेंगे तो पूरा पता चलेगा आपको, और उसके बाद में आपको यहाँ पे आपका PF से पैसा विड्रॉ हो गया उसको चेक करने के लिए व्यू पासबुक पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओल्ड फुल पर क्लिक कर देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पैसा माइनस हो गया है, 89,000 कुछ था पहले तो अभी यहाँ पे 5,400 हो गया है, और यहाँ पे थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक आता है डिपॉजिट, और यहाँ पे दूसरा जगह में विड्रॉल पर देखेंगे तो एम्प्लॉय शेयर से 66,100 हमारे लिए अप्रूवल हो गया है, ये अमाउंट विड्रॉ हो गया है, और एम्प्लॉयर शेयर से 19,800 रुपीज़ ये हो गया है। टोटल यहाँ पे ये दोनों को मिला के 85,900 होता है जो कि हमारे लिए अप्रूवल हो गया था, तो हमारे बैंक में ये अमाउंट क्रेडिट हो गया है। सो गाइज इस तरह से इसका विड्रॉ कर सकते हैं। आई होप कि अगर वीडियो से थोड़ा हेल्प मिला होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्त के पास भी शेयर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।